हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी को व्हाट्सएप मैसेज करना है तो सबसे पहले उस व्यक्ति का नंबर लेना पड़ेगा, फिर उसे कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव करना पड़ेगा, फिर व्हाट्सएप में जाकर उसी सेव नंबर को सर्च करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे शो करेगा तो हम उस व्यक्ति को मैसेज कर पाते हैं। पर व्हाट्सएप के इस नए फीचर में अब आपको ये सब करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्कैन करके आप डायरेक्ट मैसेज या फ़ोटो भेज सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे। जानने के लिए बने रहिए राजन डिजिटल पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाकर व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है। ये सिर्फ अपडेटेड वर्सन में ही अवेलेबल है। मैंने पहले से अपडेट करके रखा है, सिंपली ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद ये राइट साइड 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, फिर सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ आपका प्रोफाइल शो कर रहा है, नाम शो कर रहा है और बगल में ये QR कोड शो कर रहा है। जैसे ही इस QR कोड पे क्लिक करेंगे आपका QR कोड ओपन हो जाएगा। यहीं से आप इसको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज के लिए दिखा सकते हैं, या फिर आपका कोई अपना दुकान हो जिसमें व्हाट्सएप का यूज होता हो तो इसका प्रिंटआउट निकाल कर आप फ्रंट में लगा सकते हैं, जिससे लोग स्कैन करके आपको मैसेज या फ़ोटो कुछ भी कर सकते हैं। और आप किसी दूसरे का QR कोड यहीं से स्कैन कर सकते हैं। स्कैन कोड पे क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। जहां पर भी QR कोड है, मैं इस मोबाइल पे करके दिखाता हूँ। इसका QR कोड मैं ओपन कर लेता हूँ पहले, ये रहा। जहाँ पर भी QR कोड है, कैमरा का फोकस वहाँ करेंगे तो उनका नाम और नंबर आपके मोबाइल पे आ जाएगा। सिंपली आपको कंटिन्यू टू चैट कर देना है, फिर आपको यहाँ से मैसेज या फोटो जो भी हो आप सिंपली सेंड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको भी जीमेल अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम होती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो दे दिया है, आप वहाँ पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं।